हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम रीजनिंग में आपका टॉपिक लेके आए हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम DIB बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने वो उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आपकी टेबल दे रखी है जिसको टू वे टेबल भी हम बोलते हैं। इसमें ईयर दे रखे 17, 18, 19, 20 और एक साइड दे रखी कंट्री PQRST के रिगार्डिंग। तो यहां पर आई का मतलब होता है इंपोर्ट, ई का मतलब है यहां पर एक्सपोर्ट, ठीक है। और प्रॉफिट अगर निकालना है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट फॉर द कंट्री पी। अब आपको क्या करना है, पहला बेसिक रूल जो डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइम आपको यूज करना है कि सर हम क्वेश्चन को होरिजेंटल यानी कि लंबवत सोल्व करेंगे या वर्टिकल, सॉरी होरिजेंटल एक्सिजिट बोलते हैं इसको, या होरिजेंटल और वर्टिकल। आप ऐसे याद कर लेना कि होरिजेंटल सोल्व करेंगे या फिर वर्टिकल सोल्व करेंगे, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या दे रखा है, सर फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट। कौन से का सर, कंट्री पी। अब मुझे ये बताओ कि कंट्री पी को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, होरिजेंटल या वर्टिकल। सर कंट्री पी है यहाँ पर और इसको सर ऐसे तो सोल्व करने से रहे, क्योंकि ऐसे सोल्व करेंगे तो PQRST आ जाएगा सर। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, सर इसको सोल्व करेंगे होरिजेंटल। तो रूल क्या है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि होरिजेंटल हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। सोल्व पहला तो आपको ध्यान ये रखना है, होरिजेंटल सोल्व करेंगे। अब होरिजेंटल सोल्व करेंगे ये तो कन्फर्म हो गया कि सर डेटा ऐसे उठाना है, यानी कि डेटा आपको ऐसे उठाना है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन सोल्व क्या करना है सर, डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, एवरेज एक्सपोर्ट माइनस एवरेज इंपोर्ट। किसका, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री पी और एवरेज इंपोर्ट ऑफ कंट्री पी, ठीक है ना। सिंपल यही था कि दोनों के बीच में आपको क्या निकालना, डिफरेंस। तो एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री पी, एक्सपोर्ट को मैंने बोला किस नाम से दिया गया है, ई नाम से सर बताया गया है। कंट्री पी का एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना कितना है सर, 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 32, ये सर एवरेज करना है। तो कितने ही है, 1 2 3 4, 4 से एवरेज कर दो, सिंपल है ना, ठीक है। इसी तरह एवरेज इंपोर्ट ऑफ कंट्री पी, इंपोर्ट करना सर, इंपोर्ट मतलब आई, 25 24 28 22 25 24 28 और 22, सर इसका भी एवरेज करना है तो 4 से कर दें, क्यों, क्योंकि 4 ही नंबर है, या तो कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए टोटल क्या करते हैं, 2 6 8 10 130 आ जाएगा, 4 माइनस ये आप अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 9 19 1 8 और 1 9 4, यानी कि कितना, 130 डिवाइड बाई 4, और आपका क्या आ जाएगा 130 के बाद 99 डिवाइड बाई 4। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करना तो क्या करेंगे, या तो आप सिंपल ही कर दो, क्या कर सकते हो इसका, 130 में से 99 लेस कर दो, तो वन, या फिर इसको कट करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या करेंगे, 130 इसको करेंगे तो 130 माइनस 99 एलसीएम 4 लगा सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 31 डिवाइड बाई 4, कट करोगे तो कितना, 7 पे 28, 2 3 बच गए ना, 3 और फिर से नहीं 4 से गए तो 4 6 24 4 7 28 सही है, बच गए 3, फिर कितना आ जाएगा, 4 7 28, बच गए 2 4 5 20, लो जी इतना आ जाएगा, 7.75, कितना आ जाएगा, 7.75। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या इसमें एक जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो क्या है, अगर बेस सेम हो तो इसको छोड़ा जा सकता है, क्या हो, बेस सेम हो तो इसको छोड़ा जा सकता है यहाँ तक। तो सर ये तो फिर सर आपने 31 आया, लास्ट में यूज कर सकते हो आप बेस को, क्या कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो,
यानी कि पूरी कैलकुलेशन में आपको फोर का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, या फिर अगर ना पता हो तो सिंपल, अगर मान लिया कि आपने पहली बार डीआई कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कर लेना, तो आपके रिगार्डिंग यही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे ना इसे, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वही हम सीखने वाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया गया है। विच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज। हाँ जी, मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020, फ्रॉम 2019 टू 2020। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है सर, कौन सी ऑप्शन भी दे रखे, पी क्यू आर एस। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं पी क्यू आर एस, चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। अब इसमें क्या पूछा है सर, कौन सी कंट्री है, तो कौन सी कंट्री है, तो ऑप्शन क्या है पी क्यू आर एस, कौन सी कंट्री है जो मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, कहाँ 2019 से 2020। क्वेश्चन को हॉरिजेंटल सोल्व करना है या वर्टिकल सोल्व करना है, ये क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है, ना कि ऑप्शन से। पहली बात तो आपको ये ध्यान रख लेनी है। तो 19 और 20 सर डेटा कहाँ है, सर डेटा ये रहा 19 और 20। अब देखो इसको हॉरिजेंटल तो सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि 19-20 आगे कुछ भी नहीं है सर, ना ही पीछे कुछ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वर्टिकल। तो यहां पर जो रूल लगेगा वो लगेगा सर वर्टिकल सॉल्यूशन आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो वर्टिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वर्टिकल सॉल्यूशन करने वाले 19 से 20 के बीच में। अब इसमें क्या पूछा गया सर, एक तो पूछा गया प्रॉफिट कितना है, क्या पूछा गया है प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ मैक्सिमम, आपको ये बताना है। अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज के बारे में है तो ये हमें 16 मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सॉरी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, क्या है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये बताता हूँ मैं। देखो क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो सर, पी का निकाल लो 2019 का, पी का निकाल लो 2020 का, जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, तो पी मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि स्पेस बन जाए, पी क्यू आर और एस, ये सर 2019 का प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर 2019 में एक्सपोर्ट कितना है 36 है, इंपोर्ट कितना है 28 है, तो 36 माइनस 28। अच्छा ये देखिए, ये आपको क्या करना है, ये ना आपको ऐसे लिखने नहीं है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ये डायरेक्ट यहीं से करने हैं। कितना हो जाएगा सर, ये 36 में से 28 गया तो 8 बच गया सर, प्रॉफिट 8, इनके बड़े है ना 36 से 8, इनके एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपोर्ट कम है तो लॉस, बस सिंपल ये बात है। ये 37 है सर, कितना हो जाएगा सर, ये भी 8 हो जाएगा, ये 36 है तो ये 4 हो जाएगा सर, और ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। सर टी का कुछ करना है, टी का कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्यों नहीं करनी, क्योंकि सर ऑप्शन दे रखे, क्या ऑप्शन ही दिए गए हैं एस तक, तो टी की डिजिट को उठाना ही नहीं है। इसी तरीके से यहां पर प्रॉफिट निकालो सर, 32 यानी कि 10 का प्रॉफिट हो गया सर 20 में, 34 सर 8 का हो गया, यहां पर 34 हो गया 28 से तो 6 का हो गया सर, यहां पर 32 हो गया तो ये कितना हो गया 9 का हो गया, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 32 माइनस 22 तब 10 आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, यानी कि हर कंडीशन में प्रॉफिट हुआ है, कहीं भी लॉस नहीं हुआ है। अब क्या पूछ रखा है, ये तो प्रॉफिट 19 का और प्रॉफिट 20 का ये हमारे पास आ गया ना। अब ये तो हो गया प्रॉफिट सर, इंक्रीज तो हम यहाँ निकालेंगे, इंक्रीज क्या निकालेंगे, इंक्रीज कितना हुआ जी, इंक्रीज पी का सर 2 बढ़ गया, क्यों में सर कुछ भी नहीं हुआ, इसमें सर 2 बढ़ गया और इसमें 4 बढ़ गया। अगर पूछता मैक्सिमम, मान लीजिए सपोज कर मैं ये लिखना भूल गया था ना, अगर ये नहीं होता, सिंपल क्या होता मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज, तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर आंसर है एस, क्यों, क्योंकि सर इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। अब परसेंटेज जैसे यहाँ क्या वर्ड लिखूंगा मैं,
यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट इंक्रीज। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इंक्रीज। हाँ बोलो, इसमें दोनों में फर्क है, किस किस में, प्रॉफिट इंक्रीज और परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज में। अब जो प्रॉफिट इंक्रीज था वो तो सिंपल, परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऊपर तो लिखते हैं डिफरेंस जो भी आता है, नीचे लिखते हैं बेस और मल्टीप्लाई करते हैं 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि परसेंटेज जो इंक्रीज दे रखा है या डिक्रीज दे रखा, फॉर्मूला क्या, इंक्रीज है तो ऊपर इंक्रीज आ जाएगा, डिफरेंस डिवाइड बाय बेस इनटू 100, ईयर है तो बेस ईयर लिख दूंगा या कुछ और है तो और लिख देंगे। तो डिफरेंस कितना आया सर, डिफरेंस तो निकाल लो, 1920 का कितना सर दे ही रखा अपने को तो 2 आ गया, और बेस कितना है सर, ये बताओ मेरे को, बेस 19 का लेंगे 20 का लेंगे, सर 19 से 20 प्रॉफिट बढ़ा है तो बेस कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 इंटू 100 कर लोगे। इसी तरह से 0, बेस कितना सर 8 इंटू 100, इसी तरह से सर 2, ठीक है प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, और ये कितना सर 4 इंटू 100, और इसी तरह से 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 हो गया ना सिंपल। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, तो कैलकुलेशन करनी तो एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है 2/8, 0/8, 2/4 और 4/5, ठीक है जो कटता है काट दो, 2 से गया सर 4, तो ये 1/4 हो गया ना, यहां पर 1/4, ये क्या है 2/4, ये कट दो और कट दो 1/2 हो जाएगा। देखो 1/4 होता है 25%, 0 है तो इसका कोई है ही नहीं क्योंकि 0 तो 0 बना दिया, और 1/2 होता है 50%, और ये क्या दे रखा है 1/5, आपको याद हो तो मैंने वैल्यू फ्रैक्शन में याद करवाई थी, इसीलिए करवाई थी सर 20%, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 80%, तो ये हो गया 80%। तो ऐसे ही देखते ही आपको क्या पता चल गया सर, आंसर है एस। आंसर क्या है एस, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई 80% इसकी है सर, इसकी 50% है, इसकी 25% है, इसकी 0% है। तो अब बताओ फ्रैक्शन याद है नहीं है, अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 1/5 का आपको पता है सर 20 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया 80, तो इसलिए मैं बता रहा था कि जो हमने बेसिक मैथ के क्वेश्चन किए थे वो आपके इसमें यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को जो इतना लेंथी दे रखा है, इसको कम कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो यही, क्या पॉइंट यही कि सर ऐसे आप लिख लेना, जैसे ही टेबल आपको मान लिया कि मिलती है, कॉपी पेन मिलता है, ऐसे लिखो, और डायरेक्ट ये 2 वगैरह मैंने तो निकाल दिए, क्योंकि आपको समझाना था कि प्रॉफिट इंक्रीज अलग होता है, परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज अलग होता है, वरना जरूरत ही नहीं इसकी लिखने की। डायरेक्ट आप क्या करो, यहां से डायरेक्ट ये कैलकुलेशन अगर मैं खुद सोल्व करता तो इसके बाद डायरेक्ट यहां पर पहुंचता, ये प्रोपोर्शन, ये पोर्शन में छोड़ ही देता, क्यों, क्योंकि जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला बेसिक है ये, क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, अगर आपने ये पता कर लिया ना फिर कोई नहीं, तो किसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना इसकी। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, थर्ड क्वेश्चन, विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, कौन कौन सी ईयर दे रखे ऑप्शन, ऑप्शन सर 4 ईयर तो सारे के सारे मिल जाए, 4 ही है ना, अगर 5 होते तो मैं लिखता यहां पर, क्या लिखता 5 होते तो सर 2017 ऑप्शन 1, 18 ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, अगर मान ली 21 भी होता तो सर ऑप्शन तो 4 ही होते ना, 1 साल के तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करने पड़ते। ओके, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही टेबल मिली वाला टाइम मिल गया, चलो क्या करते हैं इसके यहाँ से एडिंग करने लग जाते, टोटल यहाँ से टोटल कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डीआई में टाइम बचाने के लिए जो पूछा गया सिर्फ उसी पे आप फोकस करोगे, उसके दाएं बाएं देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है सर, मैक्सिमम पूछा गया और फिर एक्सपोर्ट पूछा गया है, यानी कि सर एक्सपोर्ट पूछा गया है। अब एक्सपोर्ट पूछा गया सर, एक्सपोर्ट एक तो ये दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है सर, ये एक्सपोर्ट दे रखा है, ये तो ये बताओ एक्सपोर्ट को आप ऐसे सोल्व तो नहीं कर सकते ना, नहीं सर, क्या आप एक्सपोर्ट को हॉरिजॉन्टल सोल्व नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट को ऐसे ही सोल्व करोगे, क्योंकि इसके बाद एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट आ गया, तो ऐसे सोल्व करोगे तो 2017 का एक्सपोर्ट देखो मैक्सिमम ना टोटल कर लो इसका एक्सपोर्ट, 18 का टोटल कर लो, 19 का टोटल कर लो और 20 का टोटल कर लो आप, ठीक है। टोटलिंग की जा सकती है, मैंने टोटल कर रखा तो मैं लिख देता हूं,
एक्सपोर्ट है 147, आप ऐड करके देख लेना इतना ही है सारा का सारा। और फिर कितना दे रखा है ये 147 के बाद 149, फिर दे रखा है आपका 153 और 160, 153 और 160। अब देखो किस साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है सर, 20 में, किस में है 2020 में, कितने का 160 का, बस यही आपका आंसर आ गया। सर इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ डीआई के अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लेंथी या टिपिकल होते हैं, तीन क्वेश्चन बिल्कुल आप बोल सकते हो ईजी होते हैं, यानी कि उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, ऐसे डीआई देख के घबराना नहीं कि डीआई दे दी है, तो आप ये मान के चलो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते ना तो तीन क्वेश्चन तो आप बोल सकते हो तीन मिनट भी नहीं लगने वाले, सिर्फ दो ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो उनको अगर आप चाहो तो छोड़ भी देना, लेकिन अगर आप कर सको तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट वन दे रखा है विच ईयर हैज द मैक्सिमम एवरेज इम्पोर्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, कौन से साल में मैक्सिमम एवरेज इम्पोर्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है, विच ईयर हैज दी मिनिमम एवरेज इंपोर्ट, सॉरी क्या वर्ड ये क्या है, मिनिमम एवरेज इंपोर्ट, ठीक है। अब इंपोर्ट पूछा गया है सर, इंपोर्ट के साथ एवरेज भी, हाँ जी पहले इंपोर्ट निकालो फिर एवरेज निकाल लेंगे। अब इंपोर्ट वही बात फिर होगी सर, ये क्या चलेगा सर, ये तो वर्टिकल चलेगा, ठीक है। ईयर सर चार ही मिलेंगे ऑप्शन में, ऐसा तो नहीं है कि 17 को दो बार दे देगा, तो चार ऑप्शन है तो चार के चार ही। अगर एक मैंने पहले बोला कि इससे ज्यादा ईयर होते तो हम सिर्फ उनको लिखते जो ऑप्शन में दे रहे, किसको लिखते जो सिर्फ ऑप्शन में, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या पूछ रखा सर, इंपोर्ट पूछ रखा है कौन से साल में मिनिमम है, तो वही बात है जी इंपोर्ट फिर निकाल लो, इंपोर्ट को टोटल करो, यह आ जाएगा 125, 112, 117, क्या आ जाएगा 125, 112, 117 और 120, ठीक है। तो आपने यहां पर मैं लिख देता हूं सर, इसका आया 125, इसका आया है 112, इसका आया 117 और इसका आया 120। अब सर इसने तो ये इंपोर्ट तो आपने लिख दिया सर, एवरेज और निकालना है। लो जी एवरेज कितने नंबर हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड है ना। लेकिन वही फिर रूल नंबर क्या था सर, अगर मैं लिख देता हूं यहां पर समझ में आना चाहिए, अगर बेस सेम हो तो उसे हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। या आपके लिए लिखा है अगर बेस सेम हो तो उसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ईयर बताने, ये अगर मान लिया कहीं ये पूछता ना पॉइंटों में अगर आंसर होता तो वहां तो क्या होता हमें कंसीडर करना पड़ता, जैसे पिछली बार हमने पहला क्वेश्चन किया था तो वहां पर क्या कर रखा सर, पॉइंट दे रखे थे सर कितने परसेंट, जैसे 7.75 है, अगर वहां पर ईयर दे रखा है मतलब नंबर क्वांटिटी के बारे में ना पूछकर ईयर के बारे में पूछ रखा तो बेस को छोड़ दो, तो यहां पर बेस छोड़ दिया सर, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम बच गया सर हमारा। तो सर मिनिमम कौन सा है ये, तो 2018 यही आंसर है, आप 5 से डिवाइड करके देख लेना सबको तब भी यही आंसर आएगा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेस को छोड़ा जा सकता है, कर लोगे, ठीक है। ये निकालने की जरूरत नहीं है कि एवरेज कितना आया, क्यों, क्योंकि उसने एवरेज कितना आया ये पूछा ही नहीं, एवरेज कितना आया उसने पूछा ही नहीं, कहीं आप 112 या 22.4 आप ये करने बैठ जाओ सर इसको किया 22.4% ये आ गया, अरे ये तो पूछ ही नहीं रखा, ईयर में आंसर देना है। तो आंसर यानी कि ऑप्शन मैटर करते हैं, आप बोल सकते हो क्या कि सर ऑप्शन मैटर करते हैं। तो वैसे जो डीआई आपने देखा तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए करते हैं स्टार्ट, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 2017 से
इनके 27 से 17 से 20 तक, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है सर, रेशियो पूछी गई है। रेशियो क्या होती है सर? जैसे रेशियो होती है एड बी, करंट रेशियो याद है आपको, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सर ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे दे सकता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऐसे दे सकता है। तो ऑप्शन देखना ऐसे दे रखा है या ऐसे दे रखा, तो सर ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए, ठीक है जी। तो जैसे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या कुछ दे रखा है, एक्सपोर्ट ऑफ डन बाय द कंट्री एस एन टी। अब एस एन टी ढूंढ लो कहाँ जी, एस एंड टी ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एस एन टी की रेशियो बनाओ पहले, तो सर एस ओ टी ये तो बन गई सर रेशियो, क्या बन गई रेशियो। और सर क्या ढूंढना है, सर एक्सपोर्ट ढूंढना है। एक्सपोर्ट सर ये रहा 17 का और 20 का। सर 17 का एक्सपोर्ट है एस कंट्री का, एस कंट्री का 17 का एक्सपोर्ट 17 से 20 तक। यानी कि ये क्वेश्चन कैसे चलेगा, रूल हो गया सर हॉरिजॉन्टल। कैसे पता चला सर, कंट्री एस और टी का एक्सपोर्ट ढूंढना है। कंट्री सर एस और टी तो ये है, अभी ये ऐसे वर्टिकल तो चल नहीं, सर ऐसे चलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट कंट्री एस का सर 28, 28, 21 और 32, और ये कितना हो जाएगा 31, 33, 23 और 28, ठीक है। इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 109 और 115, यही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।